दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि परेशान रहते हैं कि मुझे ढोलक नहीं बजाना है और ढोलक नहीं बजती है। यह सिर्फ आपकी मानसिकता है, ढोलक जैसा सरल इंस्ट्रूमेंट कुछ है ही नहीं। ढोलक बहुत आसान बहुत सरल इंस्ट्रूमेंट है और इसको आप बहुत आसानी से बजा सकते हैं। लिटिल फिंगर में मैंने छल्ला पहना हुआ है, आप अपने नाप का अपने साइज का छल्ला बाजार से ला सकते हैं। हम बिना बोल के सिर्फ सिर्फ गिनती से ये ताल बजाना सीखेंगे जिसका नाम है ताल कहरवा। कि सबसे पहला जो स्ट्रोक है हम गजरे पे मारेंगे, ये जो हमारा गजरा है इसको कुंडल भी लोग बोलते हैं, यहाँ पे मारेंगे, मतलब यहाँ से वन स्टार्ट करेंगे। गौर से आप देखिए, ये यहाँ मैं मार रहा हूँ, ठीक है, और ये तीनों फिंगर हमारी ऐसे रहेंगी, इनको खुलना नहीं है, आप ऐसा इनको बंद रखेंगे और यहाँ से वन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जब वो वीडियो भेजते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, आपने मेरे इतने सारे वीडियो देखे फिर भी आप कैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये ठेका जो है पहला ठेका है और इस ठेके को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से भी कुछ ठेकों में स्टार्ट होता है लेकिन ये जो हमारा ठेका है यहाँ से स्टार्ट करना है हमको। तो देखिए हम इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार मैंने यहां मारा, एक बार यहां मारा, ऐसा एक एक करके अल्टरनेट हमको एक के बाद एक बजाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। छल्ला चाटी छल्ला चाटी छल्ला चाटी छल्ला चाटी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि आपका छल्ले से चालू होगा, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप इसको कंटिन्यू बजा पा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए और इस चीज को आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि गलती आप कहां करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। इसका 1 और 7 जहां जहां भी आ रहा है, 1 और 7 जहां जहां भी आ रहा है वहां पर हमारा लेफ्ट हैंड साथ में आएगा, मतलब दोनों साथ में बजेगा। कहां पर? 1 और 7 पे। अब ये यहां तुम्हारा कंटिन्यू चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आया 1 1 में दोनों हाथ मारेंगे। और दोनों हाथ मारने से पहले मैं आपको बता दूं कि बाएं की तरफ कैसे हाथ चलाते हैं। एक्चुअली ढोलक बजाने का तरीका तो ऐसा है ना, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी फिलहाल अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया या आप जो बेसिक हैं न्यू हैं उनके लिए वीडियो मैंने खास तौर से बनाया, तो आपको जहां पर ये हमारा ऐसा हाथ मुड़ता है, ऐसा हम बुलाते हैं किसी को, जहां पर हमारा हाथ मुड़ता है उसके पीछे जो लाइन है उसको हम यहां पर रखेंगे और ये साउंड जो होता है गे, हम इसको मारेंगे और यहां पर इसको रख देंगे, ना कि उठाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिए, आपको इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं होने वाला ये। इसको आपको मारना है और इसे रख देना है, मारना है और रख देना है, मारना है और रख देना है, ना कि ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिए इस बात को। मारना है और रख दिया, अगर आपको उठा के रखेंगे तो आपका हाथ भी दर्द होगा और यहां आप अगर रखेंगे तो आपको इसका सपोर्ट मिलेगा। ये थंब जो है हमारा, थंब को आप ढोलक के इस तरफ रख लीजिए, अपने तरफ रख लीजिए और इसको यहां से ऐसे रखिए, बॉर्डर पे रखिए इसको, और सामने के टिप से इस तरफ से इस जो लाइन है इसके यहां से मारिए ऐसे ऐसे घूम। ये थोड़ा देर आप लगे तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये होता है गे, ये ओपन गे होता है, ठीक है, तो ये गे तो आज की वीडियो को मैं बहुत ही आसानी ढंग से सिर्फ 2 स्टेप में, सिर्फ इसका 2 स्टेप है, 2 स्टेप में आप समझ लीजिए 1 और 7 पे, और ये तो कंटिन्यू चल रहा है, इधर तो कुछ है ही नहीं, समझिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारा 1 और 7 को हमको इसके साथ में लगा देना है, 1 और 7, देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है 1 और 7। अब एकदम एकदम स्लो करके हम बजाएंगे,
तो कैसा हो जाएगा देखिए, स्टार्ट करेंगे वन पे, पहली बीट पे वन है मतलब वन पे रेड है, दोनों हाथ साथ में आएगा। देखिए ये मेरा हाथ आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा लाउड करूंगा, ये ऐसे बैठ जाता हूं तो आपको दिखेगा। देखिए साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 और 7 में दोनों हाथ से बजाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको 10 मिनट बजाइए आप कंटिन्यू, इस वीडियो को आप देख देख कर आप 10 मिनट बजाइए, सिर्फ इतना बजाइए आप। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मेरा बहुत बेसिक वीडियो था, जो बिगनर जो कुछ भी ढोलक नहीं बजा पाता है उसके लिए। तो आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।